ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली रंगीन अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का विषय है साइलेंस पावर जमा करने का साधन। अंतर्मुखी और एकांतवासी स्थिति, अंतर्मुखी और एकांतवासी स्थिति। अंतर्मुखी अर्थात केवल और केवल अपने आप को चेक करना, जांच करना, क्या कमियां हैं, क्या विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं के आधार पर अपने आप को आगे बढ़ाना। कोई कमी है तो उस कमी को दूर करना, कमी है तो कमी को दूर करना है, और विशेषताएं हैं तो उन विशेषताओं के आधार पर आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। एकांतवासी स्थिति, एकांतवासी स्थिति अर्थात अपने आप को चेक तो करना है, परंतु चेक केवल और केवल एक बाप की श्रीमत पर करना, एक बाप की श्रीमत पर केवल अपने आप को चेक करना है कि मैं राइट हूं या मैं रॉन्ग। इन दो अवस्थाओं में हमें बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि बोलेंगे तो हमारे तन की शक्ति यूज होगी, बोलेंगे तो मन की शक्ति खर्च होगी, संकल्प करेंगे तो मन की शक्ति जमा होगी। क्योंकि हम दो काम कर रहे हैं, अपने आप को परमात्म डायरेक्शन पर चेक करके चेंज करें, ये है अंतर्मुखी और एकांतवासी स्थिति। हमने मन मत पर चेक नहीं करना, हमने पर मत पर चेक नहीं करना, हमने किसी मनुष्य की मत पर चेक नहीं करना, हमने चेक करना है केवल और केवल बाबा की श्रीमत। आज सर्वशक्तिमान बाप अपनी शक्ति सेना को देख रहे हैं। ये रूहानी शक्ति सेना विचित्र सेना है, नाम रूहानी सेना है लेकिन विशेष साइलेंस की शक्ति है, शांति देने वाली अहिंसक सेना। तो आज बाप दादा हर एक शांति दीवा बच्चे को देख रहे हैं कि हर एक ने शांति की शक्ति कहां तक जमा की है। ये शांति की शक्ति इस रूहानी सेना के विशेष शस्त्र हैं, हैं सभी शस्त्रधारी लेकिन नंबर वार है शांति की शक्ति। सारे विश्व को अशांत से शांत बनाने वाली है, न सिर्फ मनुष्य आत्माओं को लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाली है। शांति की शक्ति
को अभी और भी गुह्य रूप से जानने और अनुभव करने का है। जितना इस शांति की शक्ति से शक्तिशाली बनेंगे, उतना ही शांति का महत्व, महानता का अनुभव ज्यादा करते जाएंगे, उतना ही शांति की शक्ति का महत्व, शांति की शक्ति की महानता का अनुभव ज्यादा करते जाएंगे। अभी वाणी की शक्ति से सेवा के साधनों की शक्ति अनुभव कर रहे हो, अभी क्या कर रहे हो, वाणी की शक्ति। मैंने कितना अच्छा समझा, वाणी की शक्ति से सेवा के साधनों की शक्ति। ये सारे साधन है, चाहे वो माइक है, चाहे यूट्यूब है, चाहे व्हाट्सएप है, इन सब साधनों की शक्ति अनुभव कर रहे हो, और इस अनुभव द्वारा सफलता भी प्राप्त कर रहे हो। लेकिन वाणी की शक्ति वास्तु सेवा के साधनों से ज्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। साइलेंस की शक्ति के साधन भी श्रेष्ठ हैं। जैसे वाणी की सेवा के साधन हैं चित्र, प्रोजेक्टर, वीडियो, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ऐसे शांति की शक्ति के साधन हैं शुभ संकल्प, शुभ भावना और नैनों की भाषा। शुभ संकल्प, शुभ भावना और नैनों की भाषा, जैसे मुख की भाषा द्वारा बाप का व रचना का परिचय देते हो, ऐसे साइलेंस की शक्ति के द्वारा नैनों की भाषा से नैनों के द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हो। साइलेंस की शक्ति के आधार पर नैनों की भाषा से नैनों द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हो। जैसे प्रोजेक्टर द्वारा चित्र दिखाते हो, वैसे आपके मस्तक के बीच चमकता हुआ आपका व बाप का चित्र, आपका और बाप का चित्र स्पष्ट दिखा सकते हो। जैसे वर्तमान समय वाणी द्वारा याद की यात्रा का अनुभव कराते हो, ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा आपका चेहरा जिस मुख द्वारा कहते हो, आप द्वारा भिन्न भिन्न याद की स्टेजेस का स्वतः ही अनुभव कराएगा। अनुभव कराने वालों को ये सहज महसूस होगा, वो अनुभव करेंगे, उन्हें ये सहज महसूस होगा कि इस समय बीज रूप स्टेज का अनुभव हो रहा है, वह परिस्थिति रूप का अनुभव हो रहा है, वह भिन्न भिन्न गुणों का अनुभव आपके इस शक्तिशाली फेस से स्वतः होता रहेगा। शक्तिशाली चेहरे से स्वतः ही
होता रहेगा। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं को स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न कराते हो, ऐसे जब आप शुभ भावना स्नेह के भावना की स्थिति में स्वयं स्थित होंगे, तो जैसी आपकी भावना होगी वैसी भावना उनों में भी उत्पन्न होगी। आपकी शुभ भावना उनों की भावना को प्रज्वलित करेगी। जैसे दीपक दीपक को जगा देता है, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना और औरों में भी सर्वश्रेष्ठ भावना सहज ही उत्पन्न कराएगी। जैसे वाणी द्वारा अभी अभी स्थूल कार्य करते रहते हो, ऐसे साइलेंस की शक्ति के श्रेष्ठ साधन शुभ संकल्प की शक्ति से स्थूल कार्य भी ऐसे ही सहज कर सकते हो वा करा सकते हो। जैसे साइंस की शक्ति के साधन टेलीफोन वायरलेस हैं, ऐसे ये शुभ संकल्प सम्मुख बात करने वा टेलीफोन वायरलेस द्वारा कार्य कराने का अनुभव कराएगा। ऐसे साइलेंस की शक्ति में विशेषताएं हैं, साइलेंस की शक्ति में विशेषताएं हैं। साइलेंस की शक्ति कम नहीं है, लेकिन अभी वाणी की शक्ति को स्थूल साधनों को ज्यादा कार्य में लगाते हो। इसलिए ये सहज लगते हैं। साइलेंस की शक्ति के साधनों को प्रयोग में नहीं लाया है, इसलिए इनका अनुभव नहीं है। वो सहज लगता है, ये मेहनत का लगता है, लेकिन समय परिवर्तन प्रमाण ये शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाने ही होंगे। इसलिए हे शांति देवा, श्रेष्ठ आत्माएं इस शांति की शक्ति को अनुभव में लाओ। जैसे वाणी की प्रैक्टिस करते करते वाणी के शक्तिशाली हो गए हो, ऐसे शांति की शक्ति के भी अभ्यासी बनते जाओ। आगे चल वाणी वास्तु साधनों के द्वारा सेवा का समय नहीं मिलेगा। ऐसे समय पर शांति की शक्ति के साधन आवश्यक होंगे, क्योंकि जितना जो महान शक्तिशाली होता है वे अति सूक्ष्म होता है, तो वाणी से हो वाणी से शुद्ध संकल्प सूक्ष्म है। इसलिए
सूक्ष्म का प्रभाव शक्तिशाली होगा। अभी भी अनुभवी हो जहां वाणी द्वारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है, तो कहते हो ये वाणी से नहीं समझेंगे, शुभ भावना से परिवर्तन होंगे। जहां वाणी कार्य को सफल नहीं कर सकती, वहां साइलेंस की शक्ति का साधन शुभ संकल्प, शुभ भावना, नैनों की भाषा द्वारा रहम और स्नेह की अनुभूति कार्य सिद्ध कर सकती है। जैसे अभी भी कोई वाद विवाद वाला आता है, तो वाणी से और ज्यादा अच्छा उसको क्या करते हैं, उसको और ज्यादा वाद विवाद वाला आता है तो वाणी से और ज्यादा विवाद में आ जाता है। मतलब कोई झगड़ा कर रहा है, वाद विवाद कर रहा है, वाणी से करेंगे तो वाद विवाद बढ़ता जाता है। उसको याद में बिठाए साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराते हो ना। एक सेकंड भी अगर याद द्वारा शांति का अनुभव कर लेते तो स्वयं ही अपनी वाद विवाद की बुद्धि को शांति का अनुभव कर लेते हैं तो स्वयं ही अपनी वाद विवाद की बुद्धि को साइलेंस की अनुभूति के आगे सरेंडर कर देते। तो इस साइलेंस की शक्ति का अनुभव बढ़ाते जाओ। अब ये साइलेंस की शक्ति की अनुभूति बहुत कम है। साइलेंस की शक्ति का रस अब तक मेजॉरिटी ने सिर्फ अंचली मात्र अनुभव किया है। ये शांति देवा आपके भक्त आपके जड़ चित्रों से शांति ही ज्यादा मांगते हैं, क्योंकि शांति में ही सुख समाया हुआ है। वो अल्पकाल का अनुभव भी करते हैं तो बाप दादा देख रहे थे शांति की शक्ति के अनुभवी आत्माएं कितनी हैं, वर्णन करने वाली कितनी हैं और प्रयोग करने वाली कितनी हैं। इसके लिए अंतर्मुखता और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। बाहर मुखता में आना सहज है, लेकिन अंतर्मुखी का अभ्यास अब भी समय प्रमाण बहुत चाहिए। कई बच्चे कहते हैं एकांतवासी बनने का समय नहीं मिलता, अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने का समय नहीं मिलता, क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति वाणी की शक्ति की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। लेकिन इसके लिए कोई इकट्ठा आधा व एक घंटा निकालने की आवश्यकता नहीं है। सेवा की प्रवृत्ति में रहते भी बीच बीच में
इतना समय मिल सकता है जो एकांतवासी बनने का अनुभव करो। एकांतवासी स्थिति अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना, चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में स्थित हो जाओ, अर्थात विश्व को लाइट माइट देने वाले इस अनुभूति में स्थित हो जाओ, चाहे परिस्थितिपन की स्थिति द्वारा औरों को भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। एक सेकेंड व एक मिनट अगर इस स्थिति में एकाग्र हो स्थित हो जाओ तो ये एक मिनट की स्थिति स्वयं आपको और औरों को भी बहुत लाभ दे सकती है। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए। अब ऐसा कौन है जिसको एक मिनट भी फुर्सत नहीं मिल सकती? जैसे पहले ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम बना तो कई सोचते थे ये कैसे हो सकता है। सेवा की प्रवृत्ति बहुत बड़ी है, बिजी रहते हैं, लेकिन लक्ष्य रखा तो हो रहा है ना, तो हो रहा है ना, प्रोग्राम चल रहा है ना, सेंटर्स पर ये ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम चलाते हो वह कभी मिस करते हो, कभी चलाते हो कभी मिस करते हो, ये एक ब्राह्मण कुल की रीति है, नियम है, जैसे और नियम आवश्यक समझते हो ऐसे ये भी स्वयं उन्नति के लिए व सेवा की सफलता के लिए सेवा केंद्र के वातावरण के लिए आवश्यक है। ऐसे अंतर्मुखी एकांतवासी बनने के अभ्यास के लक्ष्य को लेकर अपने दिल की लगन से बीच बीच में समय निकालो। महत्व जानने वाले को समय स्वतः ही मिल जाता है, महत्व नहीं है तो समय भी नहीं मिलता। एक पावरफुल स्थिति में अपने मन को बुद्धि को स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। जैसे साकार ब्रह्मा बाप को देखा संपूर्णता के समीपता की निशानी सेवा में रहते, समाचार भी सुनते सुनते एकांतवासी बन जाते थे। ये अनुभव किया ना, एक घंटे के समाचार को भी 5 मिनट में सार समझ बच्चों को भी खुश किया और अपनी अंतर्मुख एकांतवासी स्थिति का भी अनुभव किया। एकांतवासी
स्थिति का भी अनुभव किया। अपनी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति का भी अनुभव किया और कराया। संपूर्णता की निशानी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति, चलते फिरते सुनते करते अनुभव किया तो पालो पादर नहीं कर सकते। ब्रह्मा बाप से ज्यादा जिम्मेवारी और किसकी है क्या? ब्रह्मा बाप ने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बिजी हूं। ब्रह्मा बाप ने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने। ऐसे अभी समय प्रमाण इस अभ्यास की आवश्यकता है। सब सेवा के साधन होते हुए भी साइलेंस की शक्ति के सेवा की आवश्यकता होगी, क्योंकि साइलेंस की शक्ति अनुभूति कराने की शक्ति है। वाणी की शक्ति का तीर बहुत करके दिमाग तक पहुंचता है और अनुभूति का तीर दिल तक पहुंचता है। तो समय प्रमाण 1 सेकंड में अनुभूति करा लो, यही पुकार होगी। सुनने सुनाने से थके हुए आएंगे साइलेंस की शक्ति के साधनों द्वारा नजर से निहाल कर देते। शुभ संकल्प से आत्मा के व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देते। शुभ भावना से बाप की तरफ स्नेह की भावना उत्पन्न करा लेंगे। ऐसे उन आत्माओं को शांति की शक्ति से संतुष्ट करेंगे। तब आप चैतन्य शांति देवा आत्माओं के आगे शांति देवा कहकर महिमा करेंगे। यही अंतिम संस्कार ले जाने के कारण द्वापर में भक्त आत्मा बन आपके जड़ चित्रों की ये महिमा करेंगे। ये ट्रैफिक कंट्रोल का भी महत्व कितना बड़ा है और कितना आवश्यक है, यही फिर सुनाएंगे। लेकिन
शांति की शक्ति के महत्व को स्वयं जानो और सेवा में लगाओ। समझा? आज पंजाब आया है ना, पंजाब में सेवा का भी महत्व भी साइलेंस की शक्ति का है। साइलेंस की शक्ति से हिंसक वृत्ति वाले को अहिंसक बना सकते हो। जैसे स्थापना के आदि के समय में देखा, हिंसक वृत्ति वाले रूहानी शांति की शक्ति के आगे परिवर्तन हो गए ना, तो हिंसक वृत्ति को शांत बनाने वाली शांति की शक्ति है। वाणी सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते जब प्रकृति की शक्ति से गर्मी व सर्दी की लहर चारों ओर फैल सकती है, तो प्रकृति पति की शांति की लहर चारों ओर नहीं फैल सकती। साइंस के साधन भी गर्मी को सर्दी के वातावरण में बदल सकते हैं। तो प्रकृति पति की शांति की लहर चारों ओर नहीं फैल सकती। साइंस के साधन भी गर्मी को सर्दी के वातावरण में बदल सकते हैं, तो रूहानी शक्ति रूहों को नहीं बदल सकती। तो पंजाब वालों ने क्या सोचा? सभी को वाइब्रेशन आवे कोई शांति का पुंज, शांति की किरणें दे रहे हैं। ऐसी सेवा करने का समय पंजाब को मिला। फंक्शन, प्रदर्शनी आदि वे तो करते ही हो, लेकिन इस शक्ति का अनुभव करो और कराओ। सिर्फ अपने मन को एकाग्र वृत्ति, शक्तिशाली वृत्ति चाहिए। लाइट हाउस जितना शक्तिशाली होता है उतना दूर तक लाइट दे सकता है। तो पंजाब वालों के लिए ये समय है इस शक्ति को प्रयोग में लाने का। समझा? अच्छा, आंध्र प्रदेश का भी ग्रुप है, वो क्या करेंगे? तूफान को शांत करेंगे। आंध्रा में तूफान बहुत आते हैं ना, तूफानों को शांत करने के लिए भी शांति की शक्ति चाहिए। शांति की शक्ति चाहिए। तूफानों में मनुष्य आत्माएं भटक जाती हैं, तो भटकी हुई आत्माओं को शांति का ठिकाना देना ये आंध्रा वालों की विशेष सेवा है। अगर शरीर से भी भटकते हैं तो पहले मन भटक।
भटकता है, फिर शरीर भटकता है, मन के ठिकाने से शरीर के ठिकाने के लिए भी बुद्धि काम करेगी। अगर मन को ठिकाना नहीं होता, अगर मन का ठिकाना नहीं होता, तो शरीर के साधनों के लिए भी बुद्धि काम नहीं करती। इसलिए सबके मन को ठिकाने पर लगाने के लिए इस शक्ति को कार्य में लगाओ। दोनों को तूफानों से बचाना है। वहां हिंसा का तूफान है, वहां समुद्र का तूफान है, वहां व्यक्तियों का है और वहां प्रकृति। अलग अलग तूफान पूरी दुनिया में चल रहे। लेकिन दोनों तरफ तूफान वालों को शांति का तोहफा दो। तोहफा शांति का तोहफा तूफान को बदल देगा, तूफान को बदल लेगा। चारों ओर के शांति देवा श्रेष्ठ आत्माओं को चारों ओर के अंतर्मुखी महान आत्माओं को सदा एकांतवासी बन कर्म में आने वाले कर्म योगी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा शांति की शक्ति का प्रयोग करने वाले श्रेष्ठ योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। दादी जी की जी एक दिन के लिए राजपिपला मेले में जाने की छुट्टी ले रही है। विशेष आत्माओं के हर कदम में पद्मों की कमाई है। बड़ों का सहयोग भी छत्र छाया बन चार चांद लगा देते हैं। जहां भी जाओ वहां सभी को एक का एक 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 का के नाम से याद प्यार स्वीकार कराना। नाम की माला तो भक्तों में बहुत जपी, नाम की माला भक्तों ने बहुत जपी। अब बाप ये माला शुरू करेंगे तो बड़ी माला हो जाएगी। इसलिए जो भी जहां भी बच्चे विशेष आत्माएं जाते हैं वहां विशेष उमंग उत्साह बढ़ जाता है। विशेष आत्माओं का जाना अर्थात सेवा में और विशेषता आना यहाँ से शुरू होता है। सिर्फ धरनी में चरण घुमाकर जाना तो चरण घुमाना माना चक्रवर्ती राजा बनना। चरण घुमाना माना चक्कर लगाना, यहाँ सेवा में चक्कर लगाते हो वहां भक्ति में उन्होंने चरण रखने का महत्व बनाया। लेकिन शुरू तो सब यहाँ से ही होता है।
चाहे आधा घंटा, एक घंटा भी कहां जाते हो तो सब खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ सेवा होती है, भक्ति में सिर्फ चरण रखने से खुशी अनुभव करते हैं। सब स्थापना यहाँ से हो रही है, पूरा ही भक्ति मार्ग का फाउंडेशन यहाँ से ही पड़ता है। सिर्फ रूप बदली हो जाएगा तो जो भी मेला सेवा के निमित्त बने हैं, अर्थात मिलन मनाने की सेवा के निमित्त बने हैं, उन सभी को बाप दादा मेले के पहले मिलन मेला मना रहे हैं। ये बाप और बच्चों का मेला है, वे सेवा का मेला है, तो सभी को दिल से याद प्यार। अच्छा, दुनिया में नाइट क्लब होते हैं और ये अमृत वेला क्लब है। दादियों से आप सब अमृत वेले के क्लब की मेंबर्स हो, सभी देख करके खुश होते हैं। विशेष आत्माओं को देख करके भी खुशी होती है। अच्छा, विदाई के समय सतगुरुवार की याद प्यार, प्रातः 6 बजे वृक्षपति दिवस पर वृक्ष के पहले आदि अमूल्य पत्तों को वृक्षपति बाप का याद प्यार और नमस्ते। बृहस्पति की दशा तो सभी श्रेष्ठ आत्माओं पर है ही, राहु की दशा और अनेक दशाएं समाप्त हुई, अभी एक ही वृक्षपति की बृहस्पति की दशा हर ब्राह्मण आत्मा की सदा रहती है। तो बृहस्पति की दशा भी है और दिन भी है बृहस्पति का, और वृक्षपति अपने वृक्ष के आदि पत्तों से मिलन मना रहे। तो सदा याद है और सदा याद रहेगी, सदा प्यार में समाये हुए हो और सदा ही प्यारे रहेंगे। समझा? आज का वरदान पावरफुल ब्रेक द्वारा वरदानी रूप से सेवा करने वाले लाइट माइट हाउस भव। वरदानी रूप से सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए तथा अन्य संकल्पों को सेकंड में कंट्रोल करने का विशेष अभ्यास चाहिए। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाओ। इसके लिए ब्रेक पावरफुल हो, संकल्पों पर पूरा कंट्रोल हो, बुद्धि व संस्कार पर पूरा अधिकार हो, तब लाइट माइट हाउस बन
वरदानी रूप से सेवा कर सकेंगे। आज का स्लोगन, समय संकल्प, समय और बोल की इकोनॉमी करो तो बाबा की मदद को कैच कर सकेंगे। ओम शांति।